हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी का क्या बयान है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे चैनल अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आप हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर बात करेंगे। यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों में हमेशा देरी होती रहती है। यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों के लिए पहले पीटी परीक्षा देनी होगी। तो आप सब स्टूडेंट बहुत अच्छे जानते हैं, पहले पीटी परीक्षा देनी होगी, लेकिन पीटी के लाखों की संख्या में स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसको लेकर कोर्ट केस चल रहा है। तो इस केस की सुनवाई 9 अगस्त को होनी है। यूपी ट्रिपल एससी अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी का क्या बयान है, इसके बारे में जानेंगे। तो कुछ स्टूडेंट यूपी ट्रिपल एससी भर्तियों को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन अब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी अध्यक्ष का कहना है कि पीटी परीक्षा 20 अगस्त को होनी है और यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों के रिजल्ट जारी होना है, कुछ भर्तियों की ज्वाइनिंग होनी है। तो पीटी परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा में देरी हो सकती है। तो 20 अगस्त को पीटी परीक्षा होगी, लेकिन मुख्य परीक्षा में देरी हो सकती है। लेखपाल भर्ती की परीक्षा नवंबर में होनी थी, लेकिन इस परीक्षा में देरी हो सकती है। दिसंबर या जनवरी तक ये परीक्षा हो सकती है, तो इस परीक्षा में देरी हो सकती है। आयोग की कोशिश है कि जल्द से जल्द पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाए, पीटी के बाद नए भर्ती विज्ञापन जारी किए जाएँ। तो पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाएगा, उनके रिजल्ट जारी किए जाएंगे, ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो 20 अगस्त को पीटी परीक्षा हो जाएगी, लेकिन इसके बाद मुख्य परीक्षा में थोड़ी देरी हो सकती है। तो मुख्य परीक्षा आपकी लेखपाल भर्ती का पहला विज्ञापन जारी होगा, तो इसके लिए भी टाइम लग सकता है। तो थोड़ा 1-2 महीने का अंतर हो सकता है। जो नवंबर में परीक्षा होनी थी, वो दिसंबर या जनवरी में हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।